नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी गाड़ी में फास्टैग स्टिकर लगा हुआ है। ऑलरेडी मैंने लगवाया हुआ था जब गाड़ी परचेज की थी। पेटीएम का फास्टैग है, क्योंकि अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरे फास्टैग में दिक्कत हो गई है। पेटीएम के फास्टैग में अब मेरा ये फास्टैग डीएक्टिवेट हो गया है। पेटीएम से मैंने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कॉल सेंटर से, पेटीएम से, कोई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मैंने अपना एक नया फास्टैग मंगवा लिया, वो मैं कैसे इजीली इसको निकालें आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बहुत ही हल्की सी कोई भी टूथपिन, आप इन बहुत ही हल्का सा एक इस तरह का कुछ ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। इसके साथ हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें एक दिक्कत आने वाली है जो मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसके अंदर एक मैग्नेटिक पोर्शन रहता है जो हमें सिग्नल जो कि डिटेक्ट करता है टोल कलेक्शन सेंटर पर, जिससे हमारा मैग्नेटिक ये काम करता है, ये हमारा इसके साथ मिरर के साथ आप देखेंगे। जैसे ही मैं इसको उतारूंगा वो फिर भी इसको हम लोग हल्के से इस क्लिप, इस चिमटी, इसे पिन की मदद से हल्का सा एक कॉर्नर से हल्का सा उठा लेते हैं और फिर हम स्टिकर को उठाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने हल्का से इसको उठा लिया, अब हाथ से इसको हम खींचेंगे, बहुत टाइट है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्टिकर को मैं हटा रहा हूं, लेकिन इसका अंदर का जो मैग्नेटिक पोर्शन है, ये स्टिकर मेरा हट गया लेकिन ये मैग्नेटिक पोर्शन इसका अभी भी यहाँ मेरे मिरर पर रह गया है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपने नया स्टिकर लगाना है उसके लिए। एक बार हम फिर से कोशिश, ये मैंने हटा दिया है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको बहुत हल्के से इसको भी एक बार स्टार्ट करेंगे कि ऐसे ही हम हटा सकें क्लिप की मदद से। दोस्तों ये नहीं हट पा रहा है, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। हमें या तो इसके लिए किसी क्लॉथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास इसके लिए एक है कोलीन, कोलीन का हम एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं, कोलीन को यूज करके देखते हैं। दोस्तों हमने कोलीन का यूज किया है, बहुत ही सॉफ्ट टॉवल हमने यूज किया है, देखते हैं। दोस्तों ये कोलीन से भी नहीं उतर पा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये नहीं उतर पा रहा है। कोलीन यूज कर लिया है हमने, अभी हम लोग एक और ट्रायल करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सेलो टेप इसके ऊपर चिपका रहे हैं, देखते हैं उसके साथ चिपक के शायद ये आ जाए, काम कर जाए हमारा ये आइडिया। ये भी देखने वाली चीज होगी काम करता है कि नहीं करता है। हमने इसको अच्छे से इसी क्लॉथ से हम लोग इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि इसके साथ चिपक कर आ जाए। अगर उतर जाता है तो बहुत ही अच्छा ट्रिक रहेगा और आप सब लोग भी यूज कर पाएंगे। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट रहते हैं इसके। अभी हम इसको उतार के देखते हैं, अच्छे से हमने इसके साथ इसको रब कर लिया है, फिर हम टेप को एक हिस्से को हम लोग खींच के देखते हैं कि इसके साथ उतर के आता है कि नहीं आता है। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल भी उतर कर नहीं। दोस्तों अभी हम लोग इसके साथ गर्म पानी से ट्रायल करने वाले हैं, हम लोग थर्ड ट्रायल हम लोग कर रहे हैं इसको उतारने के लिए। गर्म पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी है दोस्तों। लग रहा है मुझे पेट्रोल या डीजल यूज करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे जो लग रहा है लास्ट ऑप्शन पेट्रोल ही होता है। नहीं उतर रहा है दोस्तों। ये दोस्तों कुछ हम थिनर हमारे पास रखा हुआ था, थिनर यूज कर रहे हैं तो हमें लग रहा है शायद थिनर से ये उतर जाएगा। दोस्तों हम फेल हो रहे हैं लेकिन हमारे ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं, कंटिन्यूसली वी आर डूइंग ट्रायल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम लोग पेट्रोल निकाल के लाए हैं, पेट्रोल हम लोग यूज़ करके देखेंगे इसमें कि क्या पेट्रोल से ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पकड़ो उसको। और दोस्तों पेट्रोल हमारा कारगर थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे। आखिरी में हम लोग पिन से फिर से ट्राई करना स्टार्ट कर दिया हमने। ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रख सकें, ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें इस तरह के स्टिकर को कभी रिमूव करना पड़े। अब दोस्तों एक बार हम इस पे स्प्रे मार लेते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने फास्टैग रिमूव किया गाड़ी से, क्योंकि मेरा फास्टैग काम नहीं कर रहा था, डीएक्टिवेट हो गया था, तो मुझे इसको निकालना पड़ा। निकालने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने गर्म पानी, हमने इसके लिए स्टिक, हमने इसके लिए सेलो टेप, हमने इसके लिए पेट्रोल, थीनर, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया, बड़ी मुश्किल से निकल पाया। तो मैंने ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जब अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत आती है, आपको फास्टैग रिमूव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि आपका मिरर, आपका ग्लास किसी भी तरह के स्क्रैचेस ना आए, ख़राब ना हो। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।